शर्मा को भेज दिया है। केडी शर्मा उनको ढूंढने गए हैं। भाई जब आपको एड्रेस ही नहीं पता तो केडी शर्मा ढूंढने कैसे चले गए? लेकिन केडी शर्मा ढूंढने चले गए। केडी शर्मा से हम फोन पे बात करते हैं, पूछते हैं कि भैया कहाँ पहुंचे? लाडोसराय तो बहुत दूर नहीं है, कहाँ पहुंचे तुम? वो कहते हैं कि मैडम F-64 मिल गया, F-65 मिल गया, F-69 भी मिल गया, लेकिन F-68 नहीं मिलता। ये निहायत ही शर्मनाक बात है और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इस बात को मान जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं माने। और यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव साथी मुकेश गए और कुछ साथियों के साथ में, और सीधा सीधा रास्ता F-68 का था और वहाँ से BS सिंह को लेकर के आए और उनका गवाही दिलवाया और FIR करवाया। लेकिन साथियों FIR करने में बहुत देर हो गई। FIR अगर सुबह के टाइम हुआ होता तो पुलिस देख सकती थी कि किस तरह से वो आदमी खून से लथपथ था, उसकी शर्ट खून से लथपथ थी। लेकिन शाम तक जब उसके जख्म भरना भी शुरू हो गए थे, 12 घंटे से ऊपर हो गया था, उसके बाद में उसका FIR होता है, उसके बाद में उसकी मेडिकल जांच होती है। और साथियों सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस जब हम पुलिस स्टेशन में उनको ले जाते हैं तो उनका इस तरह से कलाई मरोड़ के, BS सिंह का कलाई मरोड़ के धक्का दे के उसको लेके जाते हैं। तो एक लड़ाई तो हमें पुलिस स्टेशन के अंदर करनी पड़ती है कि भाई तुम इस तरह से गार्ड को हाथ नहीं लगा सकते हो, वो कोई मुजरिम नहीं है, वो यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया है, किसी जुर्म में आपने उसको अरेस्ट नहीं किया है। और जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तब बोलते हैं कि हर आदमी के लिए गाड़ी नहीं जा सकती है, आपको हम लोग बाइक पे ले जाएंगे। साथियों आज हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये अपमान सहते रहेंगे या इस अपमान के खिलाफ हम लोग बोलना शुरू करेंगे। हम लोगों को आज ये कदम लेकर बोलना पड़ेगा कि आज हम किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। सुखबीर सिंह पोस्ट टू पोस्ट घूमते हैं, ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट में मत आना, तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। लेकिन गार्ड लोग यहाँ पर आते हैं और उनके मुंह पे तमाचा मार के जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग आएंगे, हम लोग अपने अधिकार की बात करेंगे, हम लोग पक्की नौकरी की बात करेंगे, हम लोग फाइन राज की बात करेंगे और हम लोग एक और मांग करते हैं। साथियों ये अपमान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारा नौकरी पक्का नहीं किया जाता। जब तक ये नौकरी इनके हाथ में रहेगा तब तक ये कठपुतली की तरह तार खींचते रहेंगे, ये मत करो वहां मत जाओ तुम्हारा नौकरी छीन लेंगे। इसलिए साथियों ये हमारा आपसे अपील है कि आंदोलन स्टूडेंट यूनियन का नहीं है, यह आंदोलन खुद आपका है। आप लोगों ने हिम्मत की इसलिए सभी गार्ड बाहर आए हैं, कुछ सुपरवाइजर्स ने हिम्मत की इसलिए सारे गार्ड बाहर आए। इस आंदोलन को जारी रखिए और अपनी एक मांग यहाँ से आप आज से मांगना शुरू कीजिए कि हमको पक्का नौकरी चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि सूर्य प्रकाश को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रवीण कुमार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। साथियों कहते हैं कि प्रवीण कुमार सिक्योरिटी गार्ड है, कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश सिक्योरिटी असिस्टेंट है। जो आदमी किसी दूसरे गार्ड की सिक्योरिटी को इस तरह से खतरे में डालता है, क्या वो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर होने के लिए तैयार है? क्या वो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर होने के लायक है? नहीं है। सूर्य प्रकाश को तुरंत बाहर करना पड़ेगा। साथियों एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, कल BS सिंह को यहाँ पे बुलाया गया था प्रशासन भवन में, कल इतवार था, इतवार के दिन हमसे कहा जाता है कि कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर रेक्टर 2 गारकोटी जी के ऑफिस में बैठकर डीन ऑफ स्टूडेंट्स राणा प्रताप सिंह, रेक्टर चिंतामणि महापात्रा, रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नवीन यादव और रेक्टर 2 गारकोटी मिलकर के मीटिंग करते हैं, अंदर से दरवाजा लॉक करके जाते हैं, हम लोग दरवाजे पे नॉक करते हैं लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता। फिर हम लोग अंदर एक कागज खिसकाते हैं, उसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आते हैं और वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। प्रमोद कुमार कहते हैं कि हमसे आपके पास मिलने का समय नहीं। हमने उनसे कहा कि आप अगर सरकारी दफ्तर के अंदर बैठ करके सरकारी अधिकारी एक मीटिंग कर रहे हैं तो हमें उस मीटिंग का मिनट्स चाहिए, हमें उस मीटिंग की जानकारी चाहिए, या आप किसी घर पे बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे हैं, या आप संडे के दिन अपने घर पे बैठ के चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर आप सरकारी दफ्तर में बैठकर सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं तो हमें उस मीटिंग का मिनट्स चाहिए। साथियों उस मीटिंग में क्या तय होता है? उस मीटिंग में ये तय होता है कि
जो सूर्य प्रकाश है उनको 2-3 दिन के लिए ऐसा करते हैं कि पोस्टिंग ज्वाइन नहीं करवाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कल सूर्य प्रकाश ने अपना ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया। हम लोगों को ऐसा दिखाया जाएगा कि शायद सूर्य प्रकाश बर्खास्त हुए हैं, लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं है। आपको एक छोटा सा बात बता देते हैं, सूर्य प्रकाश पर कई सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया था, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में उन्होंने हैरेसमेंट और दुर्व्यवहार किया है, कई सारे स्टूडेंट्स ने उन पर कंप्लेंट किया था और 4-5 महीने तक वो इस कैंपस में आए नहीं थे। उनका हिम्मत नहीं होता था इस कैंपस में आने का, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत सारा कंप्लेंट हो गया। लेकिन ये सूर्य प्रकाश कैंपस में वापस कैसे आए, इसका इतिहास आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं साथियों। 27 जनवरी को ये नए वाइस चांसलर आते हैं और 12 फरवरी को, जैसे आप लोग जानते हैं, जेएनयू के छात्रों का अरेस्टिंग शुरू होता है। कॉमरेड कन्हैया जो छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं उनको 12 फरवरी को अरेस्ट किया जाता है, यानी कि नए वाइस चांसलर के आने के 15 दिन के अंदर उनको अंदर किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि कई सारे गार्ड को फिर से नौकरी का धमकी दे करके झूठा गवाही उनसे दिलवाया गया। वो झूठा गवाही दिलवाने में नवीन यादव का बहुत बड़ा हाथ था, सूर्य प्रकाश का बहुत बड़ा हाथ था। और वीसी की चमचागिरी करते करते, संघ की चमचागिरी करते करते उसका, सूर्य प्रकाश का इतना हिम्मत हुआ कि वो यहाँ पर दोबारा से इस कैंपस में अपना नौकरी ज्वाइन करने लगा। ये कई बार हो चुका है कि सूर्य प्रकाश को ऐसा लगता है कि सस्पेंड कर दिया गया है, लगता है कि शायद वो बाहर हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए साथियों इस बार हम लोग झांसे में नहीं आएंगे, हम लोग मांग करते हैं कि सूर्य प्रकाश को बाहर किया जाए और उसका ऑफिस ऑर्डर हमको दिखाया जाए। और जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, कल हम लोगों ने रेक्टर से ये बोला कि जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी उसमें पालिनी और नवीन यादव को ना रखा जाए। पालिनी और नवीन यादव के अंडर एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनी है, लेकिन साथियों हमें इस इंक्वायरी कमेटी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पालिनी वही आदमी है जो वहाँ खुद बैठकर हमसे एड्रेस छुपाया था। नवीन यादव वही आदमी है जो आजकल वीसी की चमचागिरी और सूर्य प्रकाश के साथ में दोस्ती है उनका, आप उनको इंक्वायरी कमेटी में नहीं बैठा सकते। हम लोग ये मांग करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में छात्र संघ और टीचर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन हो, तब जाके कोई भी इंक्वायरी होगी। और हम लोग एक और बात आखिर में आपसे कहना चाहते हैं, एक आखिरी बात। आप लोग जानते हैं कि हमसे कहा जाता है कि गार्ड हमारी सुरक्षा करते हैं, सही बात है, गार्ड हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये बताइए कि गार्ड की सुरक्षा कौन करेगा, गार्ड की जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी। अभी कश्मीर के अंदर आप लोग जान रहे हैं कि बहुत खराब हालात चल रहा है, वहां पर एक प्राइवेट बैंक के, एक निजी बैंक के गार्ड, एटीएम के गार्ड, एटीएम के अंदर जो पोस्टेड होते हैं, हमारे बीच में बीएस सिंह जी आ चुके हैं, उनको सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम करना चाहते हैं। मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि कश्मीर में एक सिक्योरिटी गार्ड जो एटीएम पे रात को पहरा देते हैं, वो रात को ड्यूटी करके अपने घर वापस जा रहे थे और उनको सीआरपीएफ उनके पेट में 350 पैलेट की गोलियां मारती है, उनका कोई कसूर नहीं होता। वो रात को अकेले चल रहे हैं ड्यूटी करके अपने घर वापस जा रहे हैं, उनके पास में साइकिल तक नहीं है, उनको रोक करके उनके साथ में मारपीट होती है, उनके पेट में पैलेट गन की गोलियां डाली जाती है और उनको घसीट करके उनकी लाश अस्पताल के गेट पर डाली जाती है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक्सीडेंट है और उनकी मौत होती है। साथियों आप लोगों से हमारा एक अपील है कि जब हम लोग संघर्ष करें तो अपने संघर्ष की सीमा सिर्फ इस कैंपस तक ना रखें। हर वो मजदूर, हर वो गार्ड, हर वो इंसान, हर वो शोषित तबका जो आज लड़ाई लड़ रहा है, हर वो महिला जो आज लड़ाई लड़ रही है, हर वो आदिवासी जो आज लड़ाई लड़ रहा है, उनके साथ में ये हमारा संघर्ष खड़ा है। हर गरीब के साथ में हमारा ये संघर्ष खड़ा है, हर भूखे इंसान के साथ में हमारा ये संघर्ष खड़ा है, हर फ्लाईओवर के नीचे सोने वाले के साथ में हमारा ये संघर्ष खड़ा हुआ है। हमारी ये लड़ाई सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी ये लड़ाई बाहर जाएगी। आज यहाँ पर जो जो साथी सपोर्ट में आए हैं, आप सब लोगों से हम लोग पहले शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बारी बारी अपना नाम यहाँ पर दें, अपनी बात रखें। उससे पहले मैं कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी रामा नागा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें और बात